नमस्कार, आज हम कक्षा 6 का 9वां अध्याय देखेंगे जिसमें हम समझेंगे कि शहरी क्षेत्रों में जीविका क्या है राजनीतिक विज्ञान में। अगर यही अध्याय आपको इंग्लिश माध्यम में चाहिए तो आप YouTube एग्जाम रेस पे जा सकते हैं जहां पर यही लेक्चर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। अब जैसा हमने पिछले अध्याय में बात की थी कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में मुख्य अंतर क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जो है वो एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जबकि शहरी क्षेत्रों में उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, सेकेंडरी और टर्शरी इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, वो महत्वपूर्ण है। अब जब भी हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम अलग अलग अध्यायों को या अलग अलग विषयों को अलग लेके नहीं चल सकते, हम सारे ही विषयों को साथ लेके चलते हैं। तो मान लीजिए इतिहास में हमने देखा कि किस तरीके से कृषि क्रांति हुई, उसके बाद औद्योगिक क्रांति आई। हमने भूगोल और अर्थशास्त्र में ये समझा कि किस तरीके से प्राथमिक गतिविधियाँ होती हैं, द्वितीय गतिविधियाँ होती हैं और तृतीय श्रेणी की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं जो कि पूरे जो हमारी संरचना है उसको बनाने का कार्य करती हैं। और फिर हमने राजनीतिक विज्ञान में समझा कि किस तरीके से आम जीविका में इसकी अनुपालना होती है या इस पे कार्य होता है। तो ये सारी चीज़ें हम सभी विषयों को एक साथ जोड़कर समझ सकते हैं। तो शहरों में अगर हम देखेंगे तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया और शहर में मुख्यतः आपको सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। एक बहुत ही अच्छा कथन कहा गया है जिसमें ये कहा गया है कि शहर कभी सोते नहीं हैं, सिटी नेवर स्लीप्स। इसका अभिप्राय ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों से दुग्ध उत्पादन हुआ और वह शहरों तक पहुंचा। रात में 2 बजे वो, मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ अमूल डेयरी है या मदर डेयरी है, जो भी डेयरी आपके क्षेत्र में है, वहाँ पर रात में 2 बजे तक वो पहुंचता है और सुबह 6 बजे आपके घर पे वो दूध आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी रात भर शहर में कार्य चलता रहा है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से हम ले सकते हैं अखबारों का एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल, हम रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज जो कि इससे जुड़ी हुई हैं, फल सब्जी जो शहरों में आती हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो 24 घंटा चलती हैं या शहर हम बोलते हैं कि कभी भी सोते नहीं हैं और लगातार शहरों में कार्य होता रहता है। शहर में, भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स पाए गए हैं। 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट आया था और शुरुआत तौर पे ऐसा माना गया था कि इन सभी स्ट्रीट वेंडर्स को जो शहर में लारियां रहती हैं इनको बैन कर देना चाहिए, पर बाद में माना गया कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनसंख्या है, इनको एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए और इनके लिए एक निर्धारित स्थान बनाने चाहिए जिनको हॉकिंग जोन्स कहा जाएगा, जहाँ पर ये अपनी लारियाँ रख सकते हैं और अपना सामान बेच सकते हैं। तो ये माना गया कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो दे आर द आई ऑफ द सिटी, मतलब वो शहर की आंखें हैं। तो शहर में कुछ भी गलत गतिविधियां ना हो और शहर की सारी ही गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें, इसको देखने की जिम्मेदारी भी इनकी होती है। इसी में हमने अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पे हाल ही में एक क्लास ली है जिसमें इसके बारे में और विस्तार में चर्चा की गई है। इसी तरीके से योजना सेप्टेम्बर 2018 का जो एडिशन है जिसमें रोज़गार और स्वरोज़गार की बात की गई है, वो भी आपके इस अध्याय से बहुत गहन रूप से जुड़ा हुआ है, जैसा हम आगे चल के समझेंगे। तो यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हॉकिंग जोन्स डिमार्केट किए गए हैं वहाँ पर ये स्ट्रीट वेंडर्स अपनी लारियाँ रख सकते हैं और अपना सामान बेच सकते हैं। इसी तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्रों में, हमने पिछले अध्याय में बात की थी कि लीन सीज़न होता है। लीन सीज़न मतलब उन 3-4 महीने गांव में कुछ काम नहीं होता है तो लोग गाँव से शहर की तरफ आ जाते हैं, कुछ महीने वो शहर में रोज़गार ढूंढते हैं, जैसे रिक्शा चला सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं या कुछ भी रोज़गार वो अपने यहाँ पर शहर में ढूंढते हैं। 5-6 महीना जब गांव में खेती नहीं होती है तो वो शहर में रोज़गार करते हैं और फिर वापस गांव की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं। पर शहरों में जो कार्य मुख्यतः आप देखते हैं वो 2 सेक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल जॉब्स और इनफॉर्मल जॉब्स, संगठित या असंगठित। जब हम संगठित की बात करते हैं तो मुख्यतः इंडस्ट्रीज़ में, सर्विस सेक्टर में ये संगठित जॉब्स देखे गए हैं जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, जहाँ पर पेंशन का कॉन्सेप्ट है, मेडिकल बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मल सेक्टर में मिलेंगी। जो इनफॉर्मल सेक्टर के जॉब्स हैं वहाँ पर कोई भी मेडिकल की सुविधा, कोई भी मेडिकल बेनिफिट नहीं होगा, कोई भी पेंशन का बेनिफिट नहीं होगा,
मैटरनिटी बेनिफिट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें असंगठित क्षेत्र में हैं। अब अगर व्यक्ति 4 से 6 महीने शहर में आता है जब उसके गांव में फसल नहीं होती है, तो वो निश्चित तौर पे असंगठित क्षेत्र में जाएगा। और असंगठित क्षेत्र में जो कार्य होते हैं वो मुख्यतः शिफ्ट में होते हैं, बहुत ज़्यादा कार्य घंटे जो होते हैं वो डिवोटेड होते हैं, जॉब की कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें या ये सारे जो हम बोल सकते हैं लिमिटेशंस असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनको हम टेम्प्ररी या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ भी कहते हैं। दूसरी तरफ हमने बात की जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कि मुख्यतः सर्विस सेक्टर्स में जुड़े हुए होते हैं, वो किस तरीके से इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो हमने इस अध्याय में बात की। ये हमारा कक्षा 6 का आखिरी अध्याय था। हम भूगोल के और महत्वपूर्ण अध्याय आपके लिए लेके आएंगे, तो आप चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।